कि बिहार में अगर कोई समाजवादी राजनीति को अगर कोई कमजोर करेगा तो ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। नीतीश जी के नेतृत्व में आते ही आप बताइए नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू किया। थोड़ा दिन और रुकिए, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था, उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। वहाँ केवल मेरा विभाग जो स्वास्थ्य विभाग उस पर 1.5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। ये भाजपा वाला लोग जब जब हारता है तो हिंदू मुसलमान करने का काम करता है। आप लोग तो जान ही रहे भाजपा क्या कर रहा था दूसरे राज्य में, जहाँ विपक्षी दल का सरकार था भाजपा खरीद फरोख करके सरकार गिरा रही थी, क्या क्या नहीं किया गया। और बीजेपी के लोग ये भूल गए कि बिहार में अगर कोई समाजवादी राजनीति को अगर कोई कमजोर करेगा तो ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। और हमारा वादा आप देखिए क्या वादा था कि नहीं था, क्या सरकार बनेगा तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में आते ही आप बताइए नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू कर दिए, नौकरी देना हम लोग शुरू कर दिए। और थोड़ा दिन और रुकिए, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था, उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार का आप लोग मजा लेने का काम कीजिए। चाहे दवाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सारी चीजों को जो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। और अभी 2 महीना हुआ है, 2 महीना में हजारों नौकरी हम लोग दे दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए। और ये आप लोग देखिएगा कि जहां हम लोग बिहार में नियुक्ति पत्र नौकरी देना शुरू किए, वहीं नरेंद्र मोदी जी देखा देखी 75,000 ऊपरी नियुक्ति पत्र बंटवाना शुरू कर रहे हैं। ये 8 साल में कितना करोड़ नौकरी हो गया, 2 से गुना कीजिए, 1 साल में 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, तो 16 करोड़ जो नौकरी। लेकिन आप बताइए बिहार जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वहां केवल मेरा विभाग जो स्वास्थ्य विभाग उस पर 1.5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। खाली स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरी, बाकी शिक्षा विभाग का अलग है, बिजली विभाग का अलग है, गृह विभाग का अलग है। तो हम लोग उस काम में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आज देश का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही से हमको लड़ना है, बेरोजगारी को हमको खत्म करना है। और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए और विभाग में जितने रिक्त पड़े हुए पद हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। और रिक्त पदे भरी जाएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरेगा, हर चीज सुधरेगा। आप लोग सब लोगों से कहना चाहते हैं कि इसी हिसाब से आप लोग एकजुट रहिए। ये भाजपा वाला लोग जब जब हारता है तो हिंदू मुसलमान करने का काम करता है, दंगा फसाद करने का काम करता है। अब भाजपा वाला कहीं मिलेगा तो उन लोगों से नौकरी पूछेगा कि तेजस्वी जी, नीतीश जी, महागठबंधन की सरकार, मांझी जी, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग बिहार में इतने नौकरी दे रहे हैं, आपका केंद्र सरकार अब तक क्या किया? पूछना चाहिए इन लोगों से क्या काम किया, 15 लाख रुपए खाते में दिए कि नहीं दिए। हम लोग हर एक विषय को देखते हुए हर एक चीज काम कर आज यहाँ आए हैं। विभागीय कार्य भी है, सभी अधिकारियों को भी जहानाबाद के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी जहानाबाद अब आए हैं तो हम समीक्षा करेंगे कि जहानाबाद जिले को लेकर के और बेहतर ढंग से जो है हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे जहानाबाद की जनता को लाभ होगा, गरीबों का फायदा होगा। तो सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, जो विश्वास आप लोगों ने बढ़ा करके रखा है उस विश्वास को आप लोग टूटने मत दीजिएगा। हम लोग आपके विश्वास पे खड़े होने का काम करेंगे।